दोस्तों मैं आज आपके लिए 24 जून की वन लाइनर करंट अफेयर्स ले आया हूं, जो कि बैंक SSC रेलवे के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छी बात यह है इसका PDF भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 अंतर्राष्ट्रीय अपीयरेंसेस करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। दो बांग्लादेश को हराकर भारत की अंडर 23 महिला टीम ने 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब जीता। तीन एप्पल भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। चार भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और चंद्र अन्वेषण का पता लगाने के लिए एक संयुक्त मिशन पर नासा के साथ सहयोग करेगा। पांच पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। छह मार्सेल सियोलाकू को रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सात सूरत ने 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोग योग कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आठ CM योगी ने MotoGP इंडिया 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण किया। 9 AD बू को अलीबाबा का नया CEO नामित किया गया है। 10 रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल ब्रिक्स CCIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11 चीन और पाकिस्तान ने 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए $4.8 बिलियन के एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 12 भारतीय रेलवे और USAID इंडिया ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ज्ञान साझाकरण मंच लॉन्च किया। 14 आकाशवाणी के पूर्व उर्दू समाचार वाचक कौसर रिजवी का निधन हो गया है। 15 ब्रिटेन के सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण 1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक हो गया है। 16 इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस्पक्स को वाशिंगटन DC USA में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अनुराग वाजपेयी ने किया। 17 भारत ने गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के $2.7 अरब के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट को मंजूरी दी। 18 ब्रिटेन का लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगा। 19 कर्नाटक सरकार ने ब्रांड बेंगलुरु लॉन्च किया। 20 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रिया में वियना सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। सीरिया में डमस्कस सबसे निचले पायदान पर है। नई दिल्ली और मुंबई 141वें और चेन्नई 144वें स्थान पर हैं। 21 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन है। यमन सबसे निचले पायदान पर है। 22 जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK2 के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 23 एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। 24 एक्सिस बैंक ने एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन पर वनव्यू सुविधा लॉन्च की। 25 इंटरनेशनल विडोज डे प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। 2023 का थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 26 इंटरनेशनल वीमेन इन इंजीनियरिंग डे दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम मेक सेफ्टी सीन है। 27 ओलंपिक डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस साल के ओलंपिक दिवस की थीम है लेट्स मूव। 28 नरेंद्र सिंह तोमर ने PM किसान मोबाइल ऐप पर एक नई सुविधा का अनावरण किया है। किसान अब अपने चेहरे को स्कैन करके दूर से भी EKYC कर सकते हैं। 29 राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। 30 ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता। 31 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधीन हैं। 32 DRDO और L&T ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की प्राप्ति के लिए हाथ मिलाया। 33 हाल और अर्जेंटीना के FADA ने विमान मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहाल MRO और ऑफसेट आवश्यकताओं में सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 34 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और HFCL लिमिटेड ने रक्षा दूरसंचार और रेलवे क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
35 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 36 हिमाचल ने 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। 37 उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक सफदरजंग अस्पताल में खुला। 38 केंद्र सरकार ने दीमापुर में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए नागालैंड को 145 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 39 रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के निष्कर्षों से पता चलता है कि टाटा पावर कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है, इसके बाद अमेजन और टाटा स्टील है। 40 हुरुन इंडिया की 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 सूची के अनुसार रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है, जबकि अडानी समूह की कंपनियों का संयुक्त मूल्य 52% गिर गया है। 41 हेनले की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में 6500 करोड़पतियों के खोने की आशंका है और बहुत से लोग दुबई और सिंगापुर में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन रहे हैं। 42 नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टिकाऊ तकनीक को बढ़ावा देने के लिए WIPO ग्रीन से जुड़ गया है। 43 इंडियन ओवरसीज बैंक ने तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 44 फिच ने चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की GDP का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। 45 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने अमेरिका को नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए समझौता किया। 46 दुबई में अपग्रेड मुंबई मास्टर्स ने अपने ग्लोबल शतरंज लीग अभियान की शुरुआत त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स पर जीत के साथ की। 47 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई स्टील प्लांट के दल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। 48 सेबी ने सूचीबद्ध इकाई द्वारा उपक्रम के निपटान के लिए एक सख्त रूपरेखा पेश की है। 49 न्याय विभाग ने टेलीलॉ के माध्यम से कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाने के लिए नलसा और CSC के साथ भागीदारी की। 50 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर पार्को और अल्ट्रामेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की समय सीमा 2 साल यानी 2026 तक बढ़ा दी है। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला और इसका PDF कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।